श्रावक और श्राविकाओं, धर्म स्नेही श्रावक श्राविकाओं, आज मैं मेरे जीवन के उन क्षणों को धन्यवाद देती हूँ जिन क्षणों में मेरे गुरुणी मैया ने मुझे दीक्षा का मंत्र देकर अभिमंत्रित करके मुझे इस पाठ के योग्य समझा और मुझे इस पाठ पर लिया। आज मैं अपने आप को उन क्षणों को सौभाग्यशाली समझती हूँ जिन क्षणों में आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब जैसे उत्कृष्ट साधक, परम श्रद्धेय परम पूज्य ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज साहब जैसे अति उत्कृष्ट साधक, श्रमण संघ के शिरोधार सरताज, परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री आचार्य भगवंत के शासन में हम मैं समर्पित हुई। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ मुझे गुरुदेव गणेशलाल जी महाराज साहब, आचार्य मेरे अपने श्रद्धेय गुरुदेव झूलाज जी महाराज साहब, साधना के शिखर पुरुष परम श्रद्धेय पूज्य श्री मिश्री लाल जी महाराज साहब, मेरी अपने गुरुणी मैया वात्सल्य हृदया मातृवत प्रेम देने वाले परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब के जैसे इस कोटा संप्रदाय के बगिया में मुझे मेरे जीवन को समर्पित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हूँ कि मुझे उस कुल में जन्म मिला जो बाफना परिवार, जो मेरे अपने दादा श्री श्रीमान शास्त्री किशन लाल जी बाफना, पिताजी श्रीमान मिट्टू लाल जी बाफना, जो सदैव गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब के प्रति सर्वात्मना समर्पित रहे, जिन्होंने कभी कोई प्रकार के मिथ्यात्व का सेवन मृत्यु के अंतिम क्षणों तक न किया न किसी को करने दिया। मैंने अपने जीवन काल में कोई माता पूजी नहीं। लोगों ने मुझे कहा महाराज साहब नवरात्रि के दिन है, लोग नहीं आएंगे, ये नवरात्रि के दिनों में ना जाने क्यों व्यक्ति कहाँ रहता है। पर मैंने अपने परिवार के अंदर कोई नवरात्रि मनाते हुए न पहले देखा न आज देख रही हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ ऐसे माता पिता के उधर से जन्म लिया कि जो गुरुदेव के प्रति सर्वात्मना समर्पित थे। मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे वर्धमान स्थानक वासी जैन श्रावक संघ के अंदर दीक्षित होने का सुनहरा अवसर मिला। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस श्रमण संघ के अंदर दीक्षा लेकर के आत्म उत्थान करने का उत्कृष्ट मार्ग मिला, जो श्रमण संघ अपने आप में एक उज्ज्वल संघ है, जो श्रमण संघ अपने आप में एक निर्मल संघ है, जो श्रमण संघ अपने आप में एक पावन पतित पावन श्री संघ है, श्रमण संघ अपने आप में एक बहुरत्न है, अपने आप में एक बहुत सारे फूलों की माला है, उस माला के अंदर एक कली बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इससे बड़ा और क्या भला सौभाग्य हो सकता है। इसे विशाल समुदाय के अंदर जो कोटा संघ के नाम से पहचाना जाता है, जहाँ पर मात्र त्याग तप आराधना उत्कृष्ट संयम साधना और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का आराधन किया जाता है, ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मेरे सौभाग्य की सराहना किन शब्दों में करूं, कौन से किसको बधाऊं, मैं किन क्या उपकारों को आज के इस पावन क्षणों में याद करूं उस गुरु माता धीरज कंवर जी महाराज साहब को, जिन्होंने मुझे क्षण क्षण में अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया, सारी संयम की क्रियाओं को समझाने वाले मेरी अपनी गुरु माता धीरज कंवर जी महाराज साहब रही, सारे संयम का मार्गदर्शन करने वाले
मेरी अपनी गुरुनी मैया प्रभाकर जी महाराज साहब रहे, समय समय पर ज्ञान अभ्यास कराने के लिए प्रेरित करने वाली मेरी अपनी ज्येष्ठ गुरु भगिनी स्वर्गीय परम पूज्य श्री प्रकाश कंवर जी महाराज साहब रहे, जिन्होंने मेरे जीवन को सिंचित किया, जिन्होंने मेरे जीवन को बढ़ाया, पढ़ाया लिखाया, अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया, जिन्होंने हर परिस्थितियों का सामना करना सिखाया, जिन्होंने यह सिखाया कि चाहे शेर या सांप सामने आ जाए तो डरना नहीं, सिखाया नहीं बताया। ध्यान रखो, बच्चा सिखाने से नहीं सीखता है, बच्चा दिखाने से सीखता है। उन्होंने 5 फीट के सांप को, 6 फीट के सांप को मेरी गुरु माता धीरज कंवर जी महाराज साहब एवं मेरी गुरुनी मैया प्रभाकर जी महाराज साहब ने हाथ में लेकर के मुझे बताया, देखिए क्या करता है। मेरे गुरुनी मैया ने मुझे यह बताया कि देख, जो भूमि देवाधिष्ठित है, जिस भूमि के ऊपर वेंतरों का राज है, जिस भूमि में भूत और प्रेत बोल रहे हैं, आओ मैं उनके साथ में बात कर रही हूँ और तू सुन। अरे क्या कहूँ, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, उन महापुरुषों को याद करती हूँ, मैं क्या किया। अरे जो व्यक्ति को जैसे घड़ाने वाला मिलता है वैसे वो घर जाता है। मैंने कई बार मेरे गुण मैया को इन लोगों से बात करते हुए देखा है, जो इंसान से नहीं देवताओं से बात करते थे, मिथ्यात्वी देवताओं से तो करते ही करते थे, लेकिन जो सम्यक्त्वी देवताओं से बात करते थे। जब मेरे गुणी मैया भंडा कर्णम की और ऋषि का मंडल की साधना करते थे दिवाली के क्षणों में, तब मैं जा करके उनके पास में बैठती थी, कहते कोई आनो नहीं अंदर, पर मैं तो जाती थी कभी कभी, कहते थे, इशारा करते थे, बैठ जा, बैठ जाती थी। तब मैंने मेरे गुणी मैया को उन देवी देवताओं से बात करते हुए सुना है, जिन्होंने सम्यक दर्शन के बारे में बात की, जिन्होंने सम्यक दृष्टि के बारे में बात की। आज मैं मेरे मन की बात आपको बता रही हूँ। मैंने सुना है मेरे गुरुनी मैया ने घंटा कर्णम देवता से बात करती, मैंने सुना है मेरे गुरुनी मैया ने ऋषि मंडल की साधना करते हुए उत्कृष्ट सम्यक दृष्टि देवता से सम्यक की बात करते हुए, मैंने देखा है उन देवी देवताओं को गुरुनी मैया के श्री चरणों में नमन करते हुए, आंखों से देखा, बातों से नहीं सीखा है। ध्यान रखना, न रोक के सीखा है न हंस के सीखा है, न रोक के सीखा है न हंस के सीखा है, जो कुछ पाया है वो उनका होके सीखा है। मैंने देखा है, मैं लगभग उनके साथ में जब से 1973 में मेरी दीक्षा हुई तब से लगा करके उनके देवलोक के अंतिम क्षणों तक उनके सामने खड़ी थी, या औरंगाबाद का संघ समझता है, उनको पता है मैं मेरे गुरुनी मैया के साथ में कितना रही और कितने करीब रही, और उन्होंने मुझे उनके जीवन का कितना करीब मुझे समझा। मैंने देखा है, मृत्यु के अंतिम दिन तक मैं उनके साथ थी। मैंने देखी है मेरे गुरुनी मैया की उज्जवल चर्या सांप और शेर के साथ में रहती है, एक हाँ एक पांच एक इतनी दूरी पर मैंने देखा है मेरे गुरुनी मैया को शेर के सामने खड़ा रहते हैं। मैंने देखा है वो शेर और मैंने देखी है वो गुरुनी मैया, मेरे आंखों के सामने का दृश्य है। मैं आपको इतिहास की कथाएं नहीं बताना चाहती, मैं आपको इतिहास की कथाएं बता करके भुलाना नहीं चाहती। मैंने इन मेरे चर्म चक्षुओं से मेरे गुरुनी मैया के साथ में रह करके जो देखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने देखा है मेरे गुरुदेव मिश्रीलाल जी महाराज साहब के श्री चरणों में एक सात दिन की कौन
बच्चे को जन्म देने वाले माँ को मांस खमन करते हुए किसको देखा है? किसको देखा है झांबड़ जी? उसको देखा है, उस लड़की को देखा है कि जिसने एक छोटी सी बच्ची को लेकर के एक मांस खमन की तपस्या मेरे गुरुदेव आराध्य श्रद्धेय पूज्य श्री मिश्रीलाल जी महाराज साहब के श्री चरणों में गणेश नगर के अंदर सन 1984 के अंदर जब मेरा चतुर्मास कहाँ था औरंगाबाद वालों को मालूम है, औरंगाबाद में था। मैंने देखा है उस बहन को जिसका वजन 40 किलो था और जो 7 दिन का बच्चा जिसका था और जिसके शरीर में ना जाने कितने मिथ्याती देवताओं ने प्रवेश किया था, जो बस 20-20 लोगों को संभालने से नहीं संभलती थी, उसने मांस खमन पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में किया। मैंने उसको अपने आँखों से देखा है। मैं आज अपने को आपको किताबों में पढ़ी हुई नहीं, आँखों से देखी हुई बात कर रही हूँ। आज भी वो बहन जिंदी है, आज भी है, अभी भी है, आज भी है। गुरुदेव नहीं है, मैं तो जब उस बहन के 15 उपवास हुए और वो मछली के जैसे तड़प रही थी, मैंने कहा ये मर जाएगा तो पाप की न लगेगा। गुरुदेव कहते हैं और नहीं मरी तो बोलने वाला को कहीं होएगा। भाई ये तो बाप बेटे की नोक झोंक होती है, ये गुरु चेलिया नहीं होती है। उस समय पर तो एक बाप बेटी का पवित्र और वात्सल्य भरा रिश्ता होता है, वही बोल सकता है। मर जाएगा ना बेचारी, मौत हो जाएगा बेटी। परिवार के लोग कहते थे महाराज साहब शांति रखो, वो लोनार वाले संचेती जी थे, महाराज साहब शांति रखो कुछ नहीं होगा प्रतिभा जी महाराज साहब। गुरुदेव ने मैंने देखा वो मांस खमन का पारना उसी गणेश नगर के धरती पर हुआ और आज वह बहन और उसकी बेटी जिंदी है। भाई मैं ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में रह चुकी हूँ, ये मेरा अपना सौभाग्य है। मैंने क्या किया? जो उन्होंने किया। और ये देख देख के ध्यान रखना, डॉक्टर का बच्चा देख देख के डॉक्टर बनता है, वकील का बच्चा सुन सुन के वकील बनता है और टीचर का बच्चा देख देख के पढ़ाना सीखता है। हम शेर के बच्चे देख देख के शेर बनते हैं। इसमें कोई सिखाने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। शेर का बच्चा शेर के घर में जन्म लेता है तो कोई बड़ी बात, शेर के घर में जन्म लेने वाला बच्चा यदि शेर बनता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा जन्म कोई गिद्ध के परिवार में नहीं हुआ है, मेरा जन्म तो शेर के परिवार में। और जो शेर के परिवार में जन्मता है वो गिद्ध नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, इन महापुरुषों के उपकार है, मेरे उपकार है, अनंत अनंत उपकारों से उपकृत हूं मैं। जब याद करती हूँ उन क्षणों को, अपने आँखों के सामने घुमाती हूँ तो मेरे रोम रोम से पानी निकलता है। वाह वो क्या मूर्ति थी रे जीव, थोड़ी गलती करती हूँ तो मेरी आत्मा धिक्कारती है रे जीव तू कहाँ जा रही है, वो कौन थे, तू कौन है। और मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उस परिवार में मैंने दीक्षा ली और आज 73 में दीक्षा ली और अभी कितने साल हो गए हैं, 52 साल पूरी तरह से पूर्ण होने में आ चुके हैं। इन 52 साल के इस संयम अवस्था में मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई दोष लगाया हो और जिसका प्रायश्चित ना लिया हो, ऐसा कोई दोष मेरे जानकारी में आज तक तो नहीं है। और अनजान में हुआ हो तो मैं कई बार मेरे गुरु गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ।
मुझे आज बोलना नहीं था, पर हमारे सुभाष भाऊ का आग्रह था। ना जाने इतना बोलते इतना सुनते हैं तो भी उनको मेरे सुनने की बात याद रहती। मैंने कहा चलो बोले है तो बैठे हैं तो क्या है, मैं प्रवचन नहीं दे रही हूँ, मैं आपके साथ में मेरी उन स्मृतियों को याद कर रही हूँ। उस सोने के ऊपर मैं फिर से पॉलिश दे रही हूँ और उसको उजला कर रही हूँ। मुझे आज व्याख्या नहीं देना है, तो ध्यान रखो ऐसे महापुरुषों के पावन और सुपावन क्या है सानिध्य में मेरा बचपन बीता। अरे क्या बीता, 17वां साल लगा था जो त्यों स्कूल छोड़ी। न दुनिया में किसी को मरते हुए देखा, न जगत में किसी को जन्मते हुए देखा, न घर में किसी को लड़ते हुए देखा, न घर में किसी को शादी करके आते हुए देखा, क्योंकि मैं बड़ी थी। न मरण देखा, न परण देखा, ना जन्म देखा, जो देखा वो वैराग्य देखा। ध्यान रखना क्या है महापुरुषों का जीवन गाथा, जितनी कहूँ उतनी कम है और जितना बोलूँ उतना कम है। मेरा नहीं, सारा उपकार मेरे गुरुजी मैया का है। क्या कहूँ मैं जिस जगह पर बैठी हूँ, ना जाने क्यों मैं कितना बोलती हूँ कितना बोलती हूँ, जितना बोलती हूँ उससे 100 गुना पछताती हूँ, लेकिन बोलती हूँ। फिर भी मेरे साथ में सब कोई जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरी बातें सुन करके जुड़ने वालों को लाख लाख बार धन्यवाद देती आदत हो गई। अशोक भाई बोल रहे आदत हो गई मेरे को बोलने की और इनको सुनने की। पर क्या है, ध्यान रखना भाई, जीवन की धारा अविरल गति से बह रही है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे साथ में रहने वाले, हमेशा क्या है सहयोग देने वाले, मेरे सुख में, मेरे दुख में, मेरे खुशी में, मेरे गम में, मेरे आनंद में हमेशा साथ रहने वाले, मेरे अपने गुरु बहने कहूँ या सुशिष्या कहूँ, हमारे प्रफुल्ला जी, सिद्धि सुधा जी, उदिता जी, दक्षिता जी, पुनीता जी, क्या है सुविधि जी, समिति जी, गरिमा जी, महिमा जी, प्रणया जी, परिणति जी, दक्षिता जी, विशुद्धि जी, आदि सभी 17 ठानों को जिनका साथ, 16 जनों को जिनका साथ मुझे समय समय पर मिलता है। मैं जो भी कहती हूँ, जहाँ भी कहती हूँ, जैसा भी कहती हूँ, वैसा वो क्षण में मान लेते हैं। वास्तव में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ में है गौरव मुनि जी महाराज साहब जैसे सतत उत्साही साधु और विवेक, क्या है विवेक मुनि जी का तो उपकार था ही, तेले तेले की तपस्या करते थे और हमेशा हमेशा मेरे लिए शुभकामना प्रेषित करते थे। अब सौरभ मुनि जी महाराज साहब, गौरव मुनि जी महाराज साहब, सार्थक मुनि जी महाराज साहब, सक्षम मुनि जी महाराज साहब, वास्तव में ये मेरे जीवन के आधारभूत है, सहायक भूत है। मुझे रोज कहते हैं महाराज साहब ये चातुर्मास में मेरी विनंती करने के लिए कोई आए ना आए, लेकिन मुझे तो चातुर्मास आपकी सेवा में कहना है। यही बात गत वर्ष सिद्धि सुधा जी ने कही थी, कोई आओ नहीं तो मत आओ, मैं तो गोकुलवाड़ी आ रही हूँ। और वो आ गए, ये लोग तो नहीं गए, पर सूरत कोई हमारे सुभाष भाऊ जैसे कोई 1-2 जने गए होंगे, बाकी कोई पूरे कार्यकर्ता तो नहीं गए, अभी तक पूना भी नहीं गए, लेकिन सुभाष भाऊ गया, अशोक भाई गया ना, नहीं गया, अब फोन पे गया राजेंद्र भैया, ध्यान रखो अब तो भी जाओ, सुनील भैया, पारस भाई अब तो भी जाओ, चौमासा उठने आ रहा है, वो आ जाएंगे आप नहीं जाओगे, तो क्या है उनका समर्पण है, आप जाओ ना जाओ उनका समर्पण है, वो तो आएंगे। नासिक वालों का बहुत आग्रह था
लेकिन गौरव मुनि जी महाराज साहब ने स्पष्ट 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 कह दिया कि मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं जाऊंगा तो गोकुलवाड़ी ही नहीं, जहां महाराज साहब रहेंगे वहां जाऊंगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। अरे पेट में जन्म लेने वाला एक बच्चा नहीं मानता है, प्रॉपर्टी लेके अलग होता है, लेकिन यहाँ पर सर्वात्मना समर्पित होने वाली ये 16 सतिया और ये 4 संत, वास्तव में इनकी जितनी सराहना करूं, इनके बारे में जितना कहूं और जितना इनको धन्यवाद दूं, बधाई दूं, उतना कम है। वास्तव में ये मेरे लिए ये 16 सतिया और ये 4 संत मेरे लिए अनमोल कोहिनूर के हीरे हैं, इनके लिए जितना भी कहूँ उतना कम है। मेरे अपने गुरु भाई श्रुत मुनि जी महाराज साहब, अक्षर मुनि जी महाराज साहब, आदि ठाना 4 का सदैव मेरे को साथ रहा है, सदैव मेरे साथ में है। मेरे अपनी गुरु बहने किरण सुधा जी महाराज साहब, सुशीला जी, ये गुरु बहने भी हमेशा मेरे अपने साथ है। मैं इनको भी आज के दिवस पर खूब खूब धन्यवाद देते हुए, समस्त श्रावक श्राविकाओं को धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। बोल